हर दिन यह सोचकर काम करना चाहिए कि आज आपका आखिरी दिन है। यही सोचकर काम करने से ज़िंदगी में सफलता मिलेगी। दोस्तों, आज है 27 जून और आज मैं RCET का दूसरा पार्ट लेकर आया हुआ हूँ। जो बच्चे हमारे कल वाले वीडियो को नहीं देखे थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वीडियो के अंत में भी प्ले होगा। और आज मैं दोस्तों सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, बल्किंग, क्रीप, वर्कबिलिटी, इन सब टॉपिक पे डिस्कस करूंगा विथ MCQ क्वेश्चन के साथ दोस्तों। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, फटाफट मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जो RRB JEE और SSC JEE और GATE की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट इन विच द वाटर इन द मिक्स टेंड टू राइज टू द सरफेस व्हिल प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग इज कॉल्ड। ये कह रहा है ताजी कंक्रीट का वह गुण जो कंक्रीट को डालते समय और उसमें कंपैक्शन करते समय पानी की जो मात्रा ऊपर आ जाती है उसको क्या बोला जाता है। उसको दोस्तों ब्लीडिंग बोला जाता है। मैं आपको बताऊं ब्लीडिंग क्यों होता है। जब वाटर सीमेंट रेशियो का मान अधिक होता है और बायवेटर को हम एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक रोक के रखते हैं तब ब्लीडिंग होता है दोस्तों। ब्लीडिंग के गुणों को सुधारा जा सकता है न्यूनतम जल सीमेंट अनुपात अपना करके और इसमें एयर एंटरिंग एजेंट मिला करके ब्लीडिंग के गुणों को सुधारा जा सकता है। और ब्राइवेटर को किसी एक जगह पर दोस्तों 52 सेकेंड से अधिक समय तक यूज नहीं करना चाहिए। और जो पहला ऑप्शन है सेग्रीग्रेशन, इसके बारे में मैंने कल बताया था, आज फिर से बता दे रहा हूँ। जब हम कंक्रीट को अधिक ऊँचाई से पटकते हैं तो सेग्रीगेशन हो जाता है, महीन मिलावा और मोटा मिलावा अलग हो जाता है। सेग्रीगेशन को अवॉइड करने के लिए दोस्तों मैक्सिमम प्लेसिंग हाइट ऑफ कंक्रीट है 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई से कंक्रीट नहीं फेंकना चाहिए। और क्रीप मैं बताऊं दोस्तों क्या है। क्रीप जो है दोस्तों वो होता है विक्षेपण, यानी जब कोई लोड किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर पर कार्य करता है तो टाइम के साथ उसमें जो है कुछ विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, विरूपण जिसको बोलते हैं, उसी को क्रीप बोला जाता है। और क्रीप जो होता है दोस्तों ये परमानेंट नेचर में होता है, ये कभी समाप्त नहीं होता है दोस्तों। इतना एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताया आपको, इसको ध्यान में रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रप्चर द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। ये कह रहा है जब मॉडुलस ऑफ रप्चर ज्ञात करते हैं तो प्रतिदर्श की साइज क्या होती है। तो दोस्तों जब मॉडुलस ऑफ रप्चर ज्ञात करते हैं तो प्रतिदर्श की साइज होती है 150 × 150 × 700 mm। हमारा ऑप्शन तीसरा सही रहेगा दोस्तों। और जो पहला ऑप्शन है 150 × 150 × 150 mm, ये जब कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं, इलास्टिक सामर्थ्य, तब ये साइज यूज़ किया जाता है 150 mm³ दोस्तों। और आपको बताएं रप्चर क्या होता है। कंक्रीट की जस्ट फ्रैक्शन से पहले यानी विफल होने से पहले की कंडीशन को ही रप्चर बोला जाता है दोस्तों। इसके लिए जो मॉडुलस ज्ञात किया जाता है ये उसके कैलकुलेशन में यूज किया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ में दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, द प्रॉपर्टी ऑफ द इनग्रेडियंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर व्हिल प्लेसिंग द कंक्रीट इज कॉल्ड। इसके पहले ही मैंने बताया था इसके बारे में, ये क्वेश्चन फिर से आ गया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है मिलावे का वह कौन सा गुण है जो आपस में अलग हो जाते हैं जब कंक्रीट को बिछाते हैं, प्लेस करते हैं। तो दोस्तों कंक्रीट का जो महीन मिलावा और मोटा मिलावा अलग हो जाता है उसको सेग्रीगेशन बोला जाता है। सेग्रीगेशन जो है जब कंक्रीट को अधिक ऊंचाई से पटकते हैं तभी हम सेग्रीगेशन देखने को मिलता है। सेग्रीगेशन की मैक्सिमम हाइट 1.5 मीटर, अगर जो हम कंक्रीट को 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई से पटकेंगे तब सेग्रीगेशन होगा। और कॉम्पैक्शन दोस्तों जब हम कंक्रीट को अधिक समय तक वाइब्रेट करते हैं, उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, तो उसमें जो है पानी का और सीमेंट का एक क्रीम ऊपर आ जाता है दोस्तों। और श्रिंकेज उसका सिकुड़ना आप जानते ही हैं, जब कंक्रीट जो है नमी की अवस्था में होती है उसमें पानी होता है तो कंक्रीट फैलता है और जब सूखता है तो सिकुड़ जाता है, जिसको मॉइस्चर मूवमेंट भी बोलते हैं दोस्तों। और बल्किंग जो होता है सीमेंट का फूलना, सीमेंट कंक्रीट का फूलना, किसी भी चीज़ का फूलना बल्किंग हो जाता है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे द्वारा बताए गए हर एक बातों को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, तभी यूज़फुल होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों,
वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो कंक्रीट की जो वर्कबिलिटी होती है दोस्तों वो ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट के प्रोपोर्शनल होती है। यानी कंक्रीट का ग्रेडिंग जितना ही अच्छा होगा, कंक्रीट की मिलावट का ग्रेडिंग जितना ही अच्छा होगा, उसकी वर्कबिलिटी उतनी ही अच्छी होती है दोस्तों। और एक बात और बता दें, वर्कबिलिटी जो है टाइम ऑफ ट्रांजिस्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। इन्वर्सली यानी टाइम ऑफ ट्रांजिस्ट जब बढ़ेगा कंक्रीट का तो उसका वर्कबिलिटी घटेगा, यानी उसमें जब टाइम बढ़ेगा दोस्तों ऑब्वियसली उसमें उपस्थित नमी ख़त्म हो जाएगी तो वर्कबिलिटी घट जाएगा दोस्तों। और ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट ये तो सही है, इसमें से अगर जो वाटर सीमेंट रेशियो दिया होता है दोस्तों तो वो भी सही नहीं होता, कि वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा होने से वर्कबिलिटी तो बढ़ती है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है। अतः अगर जो उसमें ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट ऑप्शन सही लगाएंगे दोस्तों, कन्फ्यूज वाली कोई बात नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसके पहले ही मैंने आपको बताया था वर्कबिलिटी जो होती है कंक्रीट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, तो दोस्तों वो होती है टाइम ऑफ ट्रांजिस्ट, यानी जब कंक्रीट की वर्कबिलिटी बढ़ेगी तो टाइम ऑफ ट्रांजिस्ट का मान घटेगा, यानी जब टाइम ऑफ ट्रांजिस्ट ज़्यादा कर देंगे तो वर्कबिलिटी घट जाएगा, क्योंकि टाइम ऑफ ट्रांजिस्ट जब मिलावट को ले जाने और लाने में हम ज़्यादा समय लगा देंगे तो उसमें उपस्थित जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है और वर्कबिलिटी उसकी कम हो जाती है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों वाटर सीमेंट रेशियो के, और द एयर इन द मिक्स इसके भी डायरेक्ट, जितना भी एयर कंक्रीट में उपस्थित होगा उतना उसकी वर्कबिलिटी बढ़ेगी दोस्तों, लेकिन उसकी जो है स्ट्रेंथ कम होती है दोस्तों उसी के अनुपात में। मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको स्टेप हेड बताया हूँ, इस प्रकार से मैंने 20 से 25 क्वेश्चन हर वीडियो में आपको कवर कराता हूँ दोस्तों, और बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट के साथ दोस्तों। वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए इंजॉय कीजिए। आप एक कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा कि आपका कोर्स ख़त्म नहीं हो रहा है, आपका कोर्स 100% ख़त्म होगा और समय से पहले ख़त्म होगा, और चुटकियों में आप सभी क्वेश्चन हल के ले जाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।